वाराणसी में लॉकडाउन से बचने के लिए लोग बना रहे अजीबोगरीब बहाने। किसी ने बताई माँ की तबीयत खराब, तो किसी ने बताई अपनी किडनी फेल। फतेहपुर में देखा लॉकडाउन का उल्लंघन, जाफरगंज के अंदर बाजार खुला। हाथरस में कोरोना संदिग्ध की मौत के बाद आई रिपोर्ट नेगेटिव। सोमवार को हुई थी जिला चिकित्सालय में मौत। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पथराव, एक डॉक्टर समेत कुछ स्वास्थ्य कर्मी घायल। औरैया में हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पसरा रहा सन्नाटा। कानपुर में पुलिस के समझाने के बाद लोगों ने खुद किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। चित्रकूट में लोगों को समझाने के लिए पुलिस को अपनानी पड़ी सख्ती, सुबह से ही बाजार और प्रमुख चौराहों पर बढ़ाई सख्ती। बिजनौर में बुधवार को भी दिखी बैंकों में से पैसे निकालने के लिए महिलाओं की भीड़, हालांकि कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो। पुलिस प्रशासन का सख्त आदेश, बिना मास्क के घूम रहे लोगों के कटेंगे चालान। सहारनपुर में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, लोग नहीं रख रहे सोशल डिस्टेंसिंग, निःशुल्क चावल लेने उमड़ी भीड़। मेरठ डेहाट में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, कुछ खुली दिखी रेडीमेड कपड़ों की दुकानें तथा बर्तनों की दुकानें भी दिखी खुली। बागपत में पुलिस ने काटे चालान और कुछ क्षेत्रों में बढ़ाई सतर्कता। लखनऊ में एक ही दिन में सामने आए 31 कोरोना पॉजिटिव मामले। फिरोजाबाद में 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। गोरखपुर में हो रही है सभी जाने आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग, अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं आया है सामने। अपने शहर एटा और आसपास की ताज़ा खबरों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें टेन शॉट्स प्रोडक्शंस।